में याद रखना। राखी जी, कल एक बड़ा कमेंट आया था प्रियंका से, जिस तरह उन्होंने बॉलीवुड को लेफ्ट आउट किया। एक और कमेंट आया है कि करण जौहर ने उनको काफ़ी सारी मूवीज पे बैन किया क्योंकि वो शाहरुख खान के फ्रेंड है, उस पर आपका क्या कमेंट है? प्रियंका ने कहा है क्या कहा कि मतलब उन्होंने बॉलीवुड इसके लिए छोड़ा, और उसके बाद एक बड़ी एक्ट्रेस का कमेंट आया है कि उन शाहरुख करण जौहर ने उन्होंने आपका क्या कहना है? ये जो नेपोटिज्म चलती है बॉलीवुड को लेके, क्या आपने कभी फेस किया नेपोटिज्म? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल करण जौहर मेरे ब्रदर है, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मेरे तो अपने खुद के वांदे हैं, है ना। आप मेरे को क्या पकड़ रहे हो? जो सच है वो है, मैं बॉलीवुड के खिलाफ बोल के इनके दुश्मन क्यों हूँ? और आप मेरे को जानबूझ के करण जौहर से क्यों लड़वाना चाहते हैं? मेरा भाई है। नहीं, आप तो प्रियंका चोपड़ा इतना लेट क्यों बोल रही है? पहले जब वो इतनी सारी फिल्में करती थी तब क्यों नहीं बोली? यस, ये मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं किसी का साथ ना देकर न्यूट्रल बात करूंगी। आई लव प्रियंका, शी इज माई फ्रेंड, उनकी मॉम भी हमारी फ्रेंड है। तो उन्होंने जब इतनी सारी फिल्में करी, इतने अवार्ड लिए, पिंगा पिंगा गाना किए, इतने सारे फिल्म किए, तभी उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? आज वो US में जाके बस गई है, और अब क्यों ये बोल रही है? और बात किसी को क्यों बदनाम करना, है ना, क्यों करना? जब आप, मुझे यही बात समझ में नहीं आती है। पहले भी लोग जिसको यू नो लॉकडाउन था, तो एक महिला थी जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, शायद मैं उनके शो में जाऊँ, वो हमारी बैंड बजाए, पर हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। वही महिला आप जिसका जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम चुप रहो जी। उन्होंने ये कमेंट किया है कि करण जौहर ने बैन किया उनको मूवी, क्योंकि वो काफी अच्छे दोस्त है शाहरुख खान के। शाहरुख जी ने उनको कभी नहीं दोस्त माना था। किसकी बात कर रहे हो? प्रियंका की बात? नहीं, प्रियंका तो शाहरुख खान की दोस्त है। मैं किसी और की बात कर रही हूँ, ये नहीं समझेगा। yes. तुम अभी मैं भी उनकी बात कर रहा हूँ। अभी दूध पीते बच्चे हैं। नहीं, मैं भी उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी उनकी बात कर रहा हूँ, जिसके शो में आप काफी जल्द जाने वाले, उसके तुम्हें पता है, लॉकअप 2 की मैं बात कर रहा हूँ। आप, हमने तो सुनाई नहीं देता भाई, हमें को शाम को तो हमको कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। बट राखी जी, हमको सिर्फ कितनी सच्चाई है लॉकअप 2 में, आपका नाम सबसे ऊपर। देखिए देखो, पहली बात ये है कि बॉलीवुड को कोई बदनाम ना करे। यहाँ पे ऐसे ही होता है कि आप आते हो, बर्फी मिठाइयाँ खा लेते हो, कुछ बन जाते हो, और जब आपको ऐसा लगता है कि बस अब खत्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ होना नहीं है, तो फिर यू नो आप किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगाते हो। तो आज चैलेंज करण जौहर ऐसे है नहीं, अनफेयर हो जाता है, क्योंकि करण जौहर को हमेशा टारगेट किया जाता है। करण जौहर को हमेशा टारगेट किया जाता है, ये अनफेयर। देखिए, प्रियंका भी आई लव हर, प्रियंका भी आई लव हर अ लॉट, बट इनके आपस में क्या खिचड़ी पक रही है हमें नहीं पता, हमारी दाल नहीं पक रही, ये मालूम है। आपकी राय लेना जरूरी है, क्योंकि काफी मेरी राय मीठी जीरा सब ले लो। आपकी राय काफी चलती है। परिणीति चोपड़ा, वाह वाह वाह, राघव चड्ढा के साथ, राघव चड्ढा के साथ परिणीति चोपड़ा की शादी होने वाली है। आई एम सो हैप्पी। चलो, एक बहन तो रहेगी इंडिया में। चलिए, एक बहन तो रहेगी इंडिया में, दैट इज रियली नाइस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे ये पीछे आना कैमरा ले, अरे कैमरे के सामने कैमरा डाल रहे। मलाइका जी पीछे मलाई खाओगे? yeah. नहीं, ये घूसा खाओगे? आइसक्रीम मलाई का जी पीछे। मलाइका जी पीछे राखी जी पीछे। चलो, इतना भी।